शाहरुख खान फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार्स में से एक है। वो आए दिन अपने बयानों और फिल्मों की वजह से चर्चाओं में बने रहते हैं। वहीं हाल ही में केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने शाहरुख खान के काफिर होने पर बड़ा बयान दे दिया है। बता दें कि शाहरुख खान जितनी धूमधाम से ईद मनाते हैं, उतनी ही धूमधाम से वो गणेश चतुर्थी का त्यौहार भी मनाते हैं। भले ही शाहरुख खान मुसलमान हो, लेकिन उनकी पत्नी गौरी खान हिंदू है। शाहरुख अपने घर में गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की स्थापना करते हैं और बड़े ही धूमधाम से बप्पा का विसर्जन भी करते हैं। सोशल मीडिया पर कई बार शाहरुख खान को इसे लेकर ट्रोल भी किया जा चुका है। लोग उन्हें काफिर यानी गैर मुसलमान तक कहते हैं और उनकी आलोचना करते हैं। वहीं हाल ही में देश के सबसे फेमस शो आपकी अदालत में पत्रकार रजत शर्मा ने शाहरुख के काफिर होने पर सवाल किया। दरअसल हाल ही में केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान रजत शर्मा के शो में मेहमान बनकर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने आरिफ मोहम्मद से कई सवाल किए। उन्होंने आरिफ मोहम्मद से पूछा कि शाहरुख खान अगर गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की स्थापना करते हैं तो क्या वो काफिर हो गए। इसका जवाब देते हुए आरिफ मोहम्मद ने भी अपने ही अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जिसका जो तरीका है, मुझे किसी के बारे में जजमेंट में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। हर कोई उसके नियंत्रण में है। जब वो विसर्जन करने जा रहे हैं शाहरुख खान, तो अल्लाह के नियंत्रण से बाहर है क्या। बता रहे कि जब जब कोई मुस्लिम एक्टर हिंदू मंदिर जाता है, हिंदुओं के त्योहार मनाता है, तो हर कोई उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल कर देता है। वही अब आरिफ मोहम्मद ने कहा है कि सब अल्लाह के नियंत्रण में हो रहा है। बात करें शाहरुख खान के वर्क फ्रंट की, तो जल्द ही शाहरुख खान फिल्म जवान में दिखाई देने वाले हैं। हाल ही में इस फिल्म का प्रीव्यू रिलीज किया गया था, जो कि दर्शकों को काफी पसंद आया है। एटली कुमार के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में शाहरुख के साथ साथ नयनतारा और सान्या मल्होत्रा दिखाई देंगी। वही दीपिका भी फिल्म में कैमियो करती दिखाई देंगी। ये फिल्म 7 सितंबर को रिलीज होगी। इस फिल्म के अलावा वो जल्द ही राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी में दिखाई देंगे, जो कि इस साल के लास्ट में रिलीज होगी। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।